नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज हम आए द ऑल न्यू महिंद्रा थार 2021 के पास। ये इस गाड़ी का एलेक्स हार्ड टॉप वेरिएंट है। इस गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 12.8 लाख रुपीस से 14.1 लाख रुपीस तक। इसका एलेक्स वेरिएंट आता है 16.6 लाख रुपीस, जो कि ऑन रोड प्राइसिंग है कानपुर उत्तर प्रदेश की। इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 180 bhp की हॉर्स पावर एट द रेट 3780 rpm। तो इसके फ्रंट में आपको महिंद्रा की बैजिंग दी हुई है। इसके जस्ट नीचे आपको थार की बैजिंग भी देख पा रहे हैं। इसमें आपको डुअल टोन रेडिएटर ग्रिल भी अवेलेबल है और हेलोजन लैंप्स आपको इसमें दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी शानदार लग रहे हैं। इसमें आपको डे टाइम रनिंग LED लैंप्स भी दिए हुए हैं, विच कम्स अलॉन्ग विद द इंडिकेटर। और इसके जस्ट नीचे आपको हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप्स भी अवेलेबल हैं। तो इसकी साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें आपको 4x4 की बैजिंग दी हुई है। इस गाड़ी में आपको 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ फुट रेस्ट। और अब हम यहाँ थार की बैजिंग देख पा रहे हैं, ये क्रोम फिनिश्ड बैजिंग है। अब इसके मिरर्स की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं, विच आर नॉट फोल्डेबल। तो यहाँ आपको व्हील आर्चेस भी दी हुई है, जहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। और इसके व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें आपको आता है 18 इंच का अलॉय व्हील, विच कम्स विद अ व्हील बेस ऑफ 2450 mm का। ये गाड़ी के व्हील्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। अब इसके अगर डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है 3985 mm की लेंथ, 1855 mm की विड्थ एंड 1896 mm की हाइट। दिस व्हीकल लुक्स वेरी मस्कुलर देन एवर। तो आइए अब हम गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक दी हुई है, यहाँ पे आपको थार की बैजिंग भी दी हुई है, उसके जस्ट नीचे ORVMs का सपोर्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर भी मिलता है। इसकी पावर विंडोज आपको व्हीकल के जस्ट मिडल में मिलती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। जस्ट गाड़ी के फ्रंट व्यू की अगर बात करें स्टेयरिंग में, तो इसमें आपको म्यूट का ऑप्शन, वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन और कॉल पिक एंड कट का ऑप्शन अवेलेबल है। इस गाड़ी में आपको वॉइस कमांड का भी ऑप्शन अवेलेबल किया गया है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी गिवन है। पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल हैं। और इसमें अगर हम एक यूनिक फीचर देखें तो वो है एडवेंचर स्टैट्स, जिसमें आपको तीनों चीज़ें ऑन रोड, ऑफ रोड एंड कस्टम मोड में गाड़ी में कैसे चलाना है सब बताया गया है। हम इसके अगर आगे भी टच स्क्रीन में जाके देखें तो काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमें सारी टायर की इंफॉर्मेशन देता है कि कितना प्रेशर है पर टायर में। डे टाइम रनिंग LED लैंप्स को हम यहीं से एडजस्टेबल कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ। फ्यूल का इन्फो भी बताया गया है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड डिस्टेंस टू MPT। सर्विस की भी इंफॉर्मेशन इसी कार में आपको अवेलेबल की जाती है। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे न्यू फीचर्स अवेलेबल हैं। और इसमें आपको USB, AUX, ब्लूटूथ जैसी iPod जैसी कंपैटिबिलिटी अवेलेबल की गई है। गाड़ी का टच स्क्रीन काफ़ी स्मूथ है चलने में। इसमें आपको नेविगेशन सिस्टम भी अवेलेबल करवाया गया है। काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं जो आपको आपकी लोकेशन, नेविगेशन, GPS, वॉइस कमांड जैसे फीचर्स अच्छे अच्छे अवेलेबल कराए गए हैं। तो हम इस गाड़ी के इंटीरियर्स की अगर बात करते हैं तो हार्ड प्लास्टिक पे डैशबोर्ड इसका बेस्ड है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो इसमें आपको महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया विद प्राइड। और इसके जस्ट नीचे हम एक छोटा सा ग्लव बॉक्स देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में ही अगर देखें तो थार की बैजिंग है इसके पैसेंजर साइड डोर में। इस गाड़ी में आपको केवल 2 ही डोर अवेलेबल कराए गए हैं। और अगर हम इसके रूफ की तरफ देखें तो आपको एक वैनिटी मिरर भी अवेलेबल कराया गया है। तो हम अगर इसके AC की बात करें तो इसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल AC गिवन है। फ्रंट में आपको 2 AC वेंट्स और लेफ्ट और राइट मिला के 4 AC वेंट्स गिवन है। अब अगर इसके हम फीचर्स की अगर बात करें तो आपको नीचे साइड 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ड्राइविंग करते समय
आप इन दोनों मोड्स में गाड़ी चला सकते हैं और ये हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। हम इसके अगर नीचे की तरफ देखें तो आपको दो कप होल्डर्स एंड उसके जस्ट राइट साइड हैंड ब्रेक भी अवेलेबल किया गया है आपको। यहाँ पे हमारे पावर विंडोज दोनों डोर्स के अवेलेबल करवाए गए हैं। गाड़ी के रियर व्यू मिरर से शुरू करते हैं। ऊपर किस तरह आप देख सकते हैं, इसमें आपको हार्ड टॉप गिवन है जिसमें ऊपर साइड आपको दो स्पीकर्स और दो ट्विटर्स गिवन है। ये गाड़ी पूरी हमें हार्ड टॉप पे बनी हुई है, काफी मजबूत अब की बार बनाई गई है थार। और यहाँ आपको केवल दो डोर्स गिवन है, एक बड़ा सा ग्लास भी दिया हुआ है ताकि जो बैक पैसेंजर इसमें बैठे वो बोर भी ना हो। तो हम इस गाड़ी के अगर रियर साइड में जाना चाहें तो इसके लिए आपको पैसेंजर साइड की सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अ बटन। और इतनी सी गाड़ी की रियर सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का पार्ट नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको मैट फिनिश्ड इंटीरियर्स गिवन है। और इस अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स की क्वालिटी काफ़ी शानदार है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स दी हुई हैं अलॉन्ग विद द सीट बेल्ट्स एंड अ बड़ा सा ग्लास एरिया भी दिया हुआ है। ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर्स हमको काफ़ी अच्छे लगे। तो हम इस गाड़ी के रियर एरिया की बात करें तो इसमें आपको टेल लाइट गिवन है, LED बेस्ड टेल लाइट है जिसमें आपको थार की बैजिंग दी हुई है, काफ़ी शानदार लग रही है। इसमें आपको ऑटोमेटिक की भी बैजिंग दी गई हुई है। हम इसके रियर डोर को ओपन करके देखते हैं तो इसमें आपको एक काफ़ी प्यारा सा बूट स्पेस दिया गया है। हम इसके ग्लास एरिया को भी ओपन करके देखते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम इसे ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ अ स्पेस इशू। सो गाइस, ये हमारी वीडियो थी द ऑल न्यू महिंद्रा थार पर। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे भी ऐसे वीडियोस